सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पटरे बोर्ड्स। तो सबके पेपर खत्म हो चुके 12th के, तो अब जो नया सिलेबस एचबीएससी ने अपलोड किया है, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ यूनिट वाइज कि कितने कौन से यूनिट में कितने चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से, पहले यूनिट को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अंदर दो ही चैप्टर है हमारे, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके अंदर दो चैप्टर है। यूनिट सेकेंड आता है हमारे पास, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, दो चैप्टर है, कौन कौन से, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यूनिट थर्ड के अंदर हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और चैप्टर फोर्थ, यानी कि यूनिट थर्ड के अंदर हमारे पास है दो चैप्टर, थर्ड और फोर्थ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर फिफ्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और यूनिट फोर्थ के अंदर आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, और चैप्टर सिक्स्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उसके बाद है यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये रिपीट है दोबारा से, अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर सेवन्थ अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट फिफ्थ के अंदर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और यूनिट सिक्स्थ के अंदर है हमारे पास ऑप्टिक्स, यानी कि नाइन्थ चैप्टर और 10th चैप्टर, दोनों के दोनों यूनिट सिक्स के अंदर है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और यूनिट सेवन्थ के अंदर है हमारे पास एक ही चैप्टर, कौन सा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और यूनिट एट्थ के अंदर है एटम एंड न्यूक्लियाई। यूनिट नाइन्थ के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 10th के अंदर है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, बस ये सारे 10 यूनिट थे हमारे पास, और ये सारे के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो छोटा छोटा, यूनिट एट्थ के अंदर एटम एंड न्यूक्लियाई छोटा सा चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा, सिक्स्थ यूनिट, जिसके अंदर वेव ऑप्टिक्स और रेव ऑप्टिक्स है। तो ये था हमारा 12th का ओवरऑल सिलेबस। सो ऑल द वेरी बेस्ट।